By night, we were out of our hotel to get some dinner, and it was near Kalangute Beach, so we headed to the market as well. So, hum log finally late utke. Now we are going ek place jahan pe hum log last time bhi gaye the jab trip pe aaye the, par us din kafi barish ho rahi thi, us time monsoons the. तो हम लोग जा रहे हैं उधर पंजिम की जो लेन है जिसको फाउंटेन हास कहते हैं. इसने बहुत मजाक उड़ाया है उस नाम का, बट एनीवेज तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी. और मतलब आज का ही डे ऐसा रख रहे हैं जो कि थोड़ा घूमने वाला हो, वरना तो बाकी डेज सिर्फ बीच डेज और ऐसे रिलैक्सिंग वाले ही रहेगा. तो मेरा बहुत मन था वहाँ फिर से जाने का, देखिए. तो वी आर गोइंग देयर. Yes. और आज उसके कहने पे हमने स्कूटी ली है. हाँ, मतलब ये मना कर रहा था काफी, क्योंकि उसको गर्मी में भी ले जाएंगे. तो फिर हम लोग चल रहे हैं गर्मी में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा तो एडवेंचर भी होना चाहिए पूरे टाइम रिलैक्स कैसे. तो बस लेट्स गो, फॉलो अस अराउंड. आ चुका है और ये कैरेट चीज केक वी बोथ विल शेयर. और मैंने लिया है ये कुकुम्बर पियर जूस. देखे कैसा टेस्ट होता है, बट ये सही है इतने समर के लिए. थैंक यू. So he needed to get a haircut और मैंने बोला कि यहाँ पे ही करा लो, क्योंकि you know means it will be much better. मेरे लिए एक पैरासीटामोल लानी थी for my headache. It's like I'm getting a really terrible headache, और any like only tablet I can have right now is paracetamol, normal dolo 500. तो वो लेने गया. और मैंने कहा था कुछ ऑर्डर कर लेना, क्योंकि हमारा होटल आउटसाइड फूड नहीं अलाउ करता है, तो वो वहीं पे ऑर्डर करके ले आएगा कुछ रूम में ही. कि मुझे इनके मेन्यू से कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे पिज़्ज़ा ही खाने का मन था. सो यस, आज पूरे दिन हेल्दी खाया है तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा सकती हूँ. सेकेंड ट्राइमेस्टर जब से शुरू हुआ है ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द होता है, मतलब. और जब से समर्स लाइक गर्मी बढ़ गई है, तो थोड़े सी भी हीट या ऐसे सन में जाने पे मेरे सर में बहुत ही
कंधा दर्द शुरू हो जाता है. मीन्स लाइक अभी इस टाइम वो द पेन इज़ लाइक 9/10, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे सर में. अभी आई एम 22 वीक्स 4 डेज आई थिंक राइट नाउ. तो आगे तो और भी तरह के पेन्स बढ़ेंगे. अभी मेरे बैक में भी पेन होता है लेटने पे काफ़ी. द SI जॉइंट पेन कहते हैं उसको. वो खैर बहुत हो गई पेन की बातें, ये आ जाता तो मैं दवा खा लेती. नहीं कि मतलब किस सिचुएशन. नाउ वी आर हेडिंग टू रिजॉर्ट नंबर टू. उधर से ही है ना. हम जो कभी वेट कर रहे हैं चेक इन का, और तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने रिजॉर्ट ऐसे ढूंढा था, बट इसने यहाँ का बेस्ट रूम बुक कर लिया है. फॉर सम रीजन इसको अच्छा लगा काफी. हाँ बट देख, मतलब इनके हिसाब से तो अच्छा ही है, फिर हम देखेंगे तो पता चलेगा. वो जो ब्रिज है वो ही जाता है ना बीच तक पूरा क्रॉस करके हम लोग. हाँ लैंड्रिम ब्रिज तक जा सकते हैं बीच तक. यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस है बीच का. यस प्राइवेट एक्सेस. कुछ शाम को they were taking a lot of time to get us checked in, so we just decided to check out the property. This is the pool area, and we decided to head into the restaurant area to get some lunch as we were quite hungry, and we opted for the simple rice and dal because nothing is better. Finally checked in the room, and I got this decorated because it was his birthday the next day, so it's kind of the birthday eve just a few hours from now. This is the patio area that the room comes with, and the room is quite big. After that we decided to go chill in the pool for a bit. And we could see the beautiful sun almost going down, so we decided to head to the beach, which was like it had a private access from the resort itself through this bridge. When you head towards the beach, the entrance was so beautiful. The beach is called Mandarim Beach, and it is in the extreme north part of Goa. And we are so glad we chose this resort because you could directly get access to this beautiful beach whenever you want. So we decided to walk by the beach, and it just feels so good that we are here together. Maybe this is our last trip together alone. Next time we'll be going out with the baby.
and then we had a cute birthday eve dinner with some candlelight near the beach itself, hearing to the sound of waves. It was such a calming experience for both of us. Perfect way to end our day today. So we've stopped by at this candlelight place. और पहले हमारा प्लान कुछ और था, बट यहाँ बीच पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हमने सोचा यहीं पे डिनर कर लेते हैं। हम लोग इन वादियों, इस लहरों का मज़ा लें। और इस क्यूट बॉय का कल बर्थडे भी है, तो ये एक तरह से प्री बर्थडे डिनर हो गया। कैंडल लाइट बाय द बीच, काफ़ी अच्छी वाइब है एकदम यहाँ पे, है ना। हमारे होटल से, सॉरी रिजॉर्ट से निकलते ही एकदम ये बीच था, और यहीं पे कुछ ये शैक्स एंड ऑल हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गुल्ले लगान भी वसूले जा रहे हैं कई लोगों से। व्हाट ही मीन्स इज दैट अ लॉट ऑफ फॉरनर्स ऑब्लिक रशियंस आर हियर ऑन दिस बीच, दे रेगुलरली विजिट इट, सो वी आर स्पॉटिंग अ लॉट ऑफ देम। हाँ, एक्चुअली मेन्यू में भी काफ़ी सारी रशियन है। I think they come here in majority. Then we were back in the room and decided to draw a relaxing bath for ourselves. Their bath and dressing area was really, really beautiful and big. This is the area. Last time I think such a great dressing area we found at the Koh Yao Yai Resort in Thailand. So we really liked that area in that resort, and this is much, much bigger than that and so nice. Then it was 12 a.m. and it was his birthday, so I gave him his gifts. I had planned a beach picnic also the next day, so let's see if we can do that tomorrow. The next day, early morning, we headed towards the beach because we wanted to get some beautiful maternity-like shots. We were going to click it using our tripod only, but seems like we missed the sunrise time because we got a little cozy. और हमने एक छोटा सा फ़ोटो शूट कर लिया है यहाँ पे मॉर्निंग टाइम वाला, अब इवनिंग के लिए आएंगे बाद में। हाँ चलिए, ब्रेकफास्ट के लिए चले अब। काफ़ी धूप हो चुकी है, सो वी आर हेडिंग फॉर ब्रेकफास्ट नाउ। गुड वर्क। चलो चलो चलो, अब हम लोगों को ढूंढना है कि कहाँ मिल रहा है ब्रेकफास्ट। इसी ब्रिज से हम लोग वापस आए थे, और ये हमारी प्रॉपर्टी, मतलब हमारी नहीं है, जहाँ रुके। नाश्ते के लिए जाते हुए हम दोनों, काफी चलना पड़ेगा यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए।
birthday to you. Happy birthday to you. लोग घूमने जा रहे हैं और फिर लंच भी बाहर कर लेंगे. यस, कैफे में. तो निक्की रेडी है एंड वी आर गोइंग टू अनदर बीच. हम लोग आ गए अरुंगोल बीच पे. अभी काफ़ी गर्मी है बट काफ़ी भीड़ है तब भी. मे बी बिकॉज इट संडे इसलिए. अब हम लोग जा रहे हैं उधर एक हिल टाइप एरिया लग रहा है तो उधर तक वॉक करेंगे क्योंकि हवा अच्छी चल रही है. हाँ, वो वाला एरिया दिखाना चाहिए. ओके, ये एकदम काफ़ी अच्छा पोर्शन है यहाँ का. हम लोग सोच रहे हैं वहाँ तक जाएं क्योंकि हवा काफ़ी सही लग रही है ना, ठंडी ठंडी वाली. यस, धूप में भी. हाँ सही लग रही है. मतलब कुछ स्लो म्यूजिक भी प्ले कर रहा है. क्या प्ले कर रहा है वो बंदा? स्लो. और यहाँ पे ये वेगन और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ही है ये पूरा, मतलब कैफे. कि अब ये क्यूट मोमा इस ट्रिप के बाद थक चुकी है. इसने वॉक करी है, खूब सारी स्टेयर्स चढ़ी हैं और डोसा खाया है और बिरयानी भी खाई है. और
बेबी को काफ़ी टेस्ट दिए हैं और बीच पे खूब सारी वॉक करी है और धूप में स्कूटी पे भी चली है और पूल में भी गई है और बीच पे भी खूब गई है। अब ये हम लोगों को लग रहा है कि उसको नॉर्मल भिंडी विंडी अच्छी लगेगी कि नहीं, नॉर्मल खाना। लेकिन आज मामा जी ने खाया है क्या? व्हाट इज मामा जी? मामा, व्हाट्स मामा? बस करो यार, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। मामा बियर भलू मता सॉरी। क्या दिक्कत क्या है? मतलब तो नहीं रोना चाहिए, क्या कहते हो तक क्यों रोते हैं बेबीज? अगर विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हैं, तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मी दल की अनुमति के लिए।